अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज जो वीडियो मैं आपके लिए लाया हूं, उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने वीडियो से कोई भी बैकग्राउंड रिमूव कैसे कर सकते हैं। व्यूअर्स, कोई से मुराद मेरा ये है कि आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे, जिस पे आपको बताया गया होगा कि आप ग्रीन बैकग्राउंड कैसे डिलीट कर सकते हैं या आप अपना रेड या ब्लैक रिमूव कैसे कर सकते हैं। अभी मैं आपको जो तरीका बताऊंगा वो बहुत ही आसान तरीका है और उसमें आप कोई भी आप नॉर्मल अपने मोबाइल से वीडियो बनाते हैं तो आप चाहते हैं बैकग्राउंड रिमूव करें तो वो मैं तरीका आपको बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ और ऐसे ही न्यू वीडियो देखने के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करते रहें कि आपको किस हिसाब से वीडियो चाहिए और कैसे कैसे वीडियो चाहिए। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आपको ले चलते हैं वीडियो की तरफ, कैसे वीडियो से बैकग्राउंड डिलीट किया जाता है। दोस्तों, इसके लिए हम मोबाइल में एप्लीकेशन है कैपकट, आसानी से जो मिल जाता है आपको प्ले स्टोर पर, फिर भी हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी होगी, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आ गए कैपकट में। कैपकट में जैसे ही आप आएंगे तो न्यू प्रोजेक्ट जो आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप अपने मोबाइल के गैलरी में डायरेक्ट आ जाएंगे। जैसे ही आप गैलरी में आएंगे तो आपको इधर आप ऊपर दो ऑप्शन नज़र आएंगे, एक वीडियोज़ का, एक फ़ोटो का। फ़ोटो पर क्लिक करना है। फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद जो आपका बैकग्राउंड वाला फ़ोटो पड़ा हुआ है आपको उसको सेलेक्ट करना है। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है अपना। उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको ऐड दबाना है। जैसे आप ऐड दबाएंगे तो आपका वो ये देखें आपका वो पिक्चर आ गया। अभी आपने क्या करना है, जितना आपका वीडियो है तो उसको इस बैकग्राउंड को पकड़ के आपने उतना ही ज़्यादा बड़ा कर देना है जितना आपका वीडियो है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो कम से कम 44-45 सेकंड का होगा तो मैं उतना ही रखता हूँ, आप अपने हिसाब से मैनेज करके रख लेना। व्यूअर्स, जैसे आप बैकग्राउंड सेलेक्ट करके रखेंगे तो उस पर अब वीडियो कैसे आएगा, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अवरली क्लिक करना है। अवरली को क्लिक करने के बाद फिर ऐड अवरली का ऑप्शन आएगा, आपको उसको दबाना है। उसको दबाने के बाद आपको क्या करना है कि वीडियो में जाना है। वीडियो में जाने के बाद जो आपका जो वीडियो है आपके पास पड़ा हुआ है, जिसको जिसका आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो आपको वो वीडियो सेलेक्ट करना है। मेरा वो वीडियो गैलरी में पड़ा हुआ है तो मैं अपने गैलरी से सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं उस वीडियो को सिलेक्ट करूँगा तो ऐड का ऑप्शन आ जाएगा, ऐड मैंने ऐड दबाना है। इस वीडियो में कुछ ऐसा भी है जो स्टार्टिंग में पार्ट डिलीट करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि मैं ये पार्ट अपना डिलीट कर दूँ, तो मैंने इसको जैसे ही आप यहाँ पे जो देख रहे हैं स्प्लिट लिखा हुआ है, स्प्लिट जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वीडियो दो हिस्सा हो गया है। ये पहले वाला पार्ट जो है ना मुझे डिलीट करना है, तो ये मैंने पहले वाला पार्ट डिलीट कर दिया है और फिर इसको मैनेज करके बैकग्राउंड पर रखना है। दोस्तों, मैंने इसको मैनेज करके अपने वीडियो यहाँ से बिल्कुल मैनेज करके सेट कर दिया है, तो अभी यहाँ पे आके देखते हैं मैनेज हुआ है या नहीं। मेरा बैकग्राउंड थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया तो फिर मैंने क्या करना है, स्प्लिट करके इसको डिलीट कर देना है। इसको डिलीट करने के बाद अभी हमारा वीडियो बिल्कुल मैनेज हो गया है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैंने क्या करना है कि वीडियो पे क्लिक करना है। वीडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा कैपकट, कैपकट को दबाना है आपको। ये आपके पास तीन ऑप्शन आ गए हैं, एक रिमूव बैकग्राउंड आ गया है और दूसरा कस्टम माइजेड कटआउट। ये आपको हाथ से एडिटिंग करना पड़ेगा, हाथ से डिलीट करना पड़ेगा, ये वो तो इस पर आप करें ही नहीं क्योंकि ऑटो का ऑप्शन है तो आप ऑटो बैकग्राउंड करें। और दूसरा है क्रोमा की, क्रोमा की यानी कि ग्रीन स्क्रीन या कोई भी एक कलर हो वो आप कैसे डिलीट करेंगे। दोस्तों, हमें तो बैकग्राउंड रिमूव करना है तो इसलिए हम ऑटोमेटिक रिमूव कर देंगे और रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो ये बैकग्राउंड देखो रिमूव हो गया, बिल्कुल बिल्कुल मैनेज हो गया। तो अभी हमने क्या करना है, इस वीडियो को पकड़ के थोड़ा कम कर देना है, इस हिसाब से मैनेज करके रख देना है। ये हमारा वीडियो हो गया तैयार, हो गया बिल्कुल कंप्लीट हो गया। दोस्तों, ये हमारा वीडियो बिल्कुल तैयार हो गया है, तो अभी आपने क्या करना है, ये जो बिल्कुल पीछे है कैपकट का ऐड है, अगर आप चाहें आपके वीडियो पे शो हो तो आप रहने दें, अगर आप चाहते हैं नहीं हो तो आप उसको क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आएगा, आप उसको डिलीट कर दें।
ये अब आप इसको सेव कैसे करेंगे, आप तो हम सेव कैसे करेंगे, ये जो ऊपर एरो वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अब अगर आप चाहेंगे फुल HD में तो आपको क्या करना है, पिक्सल इधर से ज़्यादा कर देना है, 1080 पे आप कर दें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं तो 720 पे ही रहने देता हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप अपने हिसाब से जो भी करें। मैं इसको अभी एरो पे क्लिक करूँगा, जैसे मैंने एरो पे क्लिक किया तो ये सेव होना शुरू हो गया, एक्सपोर्टिंग होना शुरू हो गया, ये 100% होगा और ये हमारा वीडियो कंप्लीट सेव हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें आपको कैसी लगी हमारी वीडियो। दोस्तों हमारा ये वीडियो सेव हो गया है, सेव होने के बाद मैं आपको ये वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा। जो गया है अब ये ऑटोमेटिक गैलरी में चला गया है, तो मैं इसको आपको प्ले करके दिखाऊंगा। व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो आपको पहुंच सके। मेहरबानी।